नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस एक्ट में जुर्माने की राशि काफ़ी बढ़ा दी गई है, जो ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले आरोपियों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम आपको बताएंगे कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेती है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उनसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी या सुनी होगी कि गुड़गांव में एक ट्रैक्टर ड्राइवर का 59,000 रुपये का चालान कटा, उस पर शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने का आरोप था। ड्राइवर के पास जरूरी कागजात भी मौजूद नहीं थे, पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया। वहीं गुड़गांव में ही दिल्ली के एक शख्स का 23,000 रुपये का चालान कटा था, जिसके स्कूटी की कीमत महज 15,000 रुपये थी। ऐसे में ट्रैफिक के दौरान आपको अपने अधिकार, नियम और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए, ताकि इसका ख्याल कर आप इस तरीके भारी भरकम जुर्माने देने से बच सकें। दोस्तों, अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटने के लिए आपको रोकती है तो ट्रैफिक पुलिस के पास उनकी चालान बुक या फिर ई चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता। ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन आपको नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस परेशान नहीं कर सकती। ट्रैफिक पुलिस के जवान आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकते। हर ट्रैफिक जवान को यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है तो आप उससे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस अपना पहचान पत्र दिखाने से मना करता है तो आप अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे ना दें। ट्रैफिक पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल आप पर सिर्फ 100 रुपये का ही फाइन कर सकता है। इससे ज़्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है। अगर आपका चालान कटा है और आपके पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप फाइन बाद में भी दे सकते हैं। इस सूरत में आपको कोर्ट चालान जारी किया जाएगा। एक तारीख दी जाएगी जब आपको कोर्ट में जाकर चालान देना होगा। इस स्थिति में ट्रैफिक ऑफिसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। मोटर व्हीकल कानून 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या प्रदूषण सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते तो यह जुर्म नहीं है। इसके बाद भी अगर पुलिस दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काट देती है तो आपके पास कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है। यदि आपको कभी भी ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं तो आपका फर्ज है कि बिना किसी बहस के आप रुक जाएं और अफसर द्वारा मांगे गए कागजात उन्हें दिखाएं। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें कोई और कागजात दिखाएं। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हो। अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। यह भी आप पर निर्भर करता है कि आप कागजात अफसर को सौंपे या फिर नहीं। मोटर वाहन अधिनियम की सेक्शन 130 के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक जगह पर वर्दी पहने हुए ट्रैफिक अधिकारी के मांगने पर मोटर चालक को कागजात दिखाने होंगे, पर सिर्फ दिखाने होंगे, ना कि सौंपने होंगे। कभी भी पुलिस की अवैध मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कांस्टेबल आपसे अवैध रूप से पैसा मांग रहा है तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करें। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो आप ट्रैफिक रूल का पूरी तरह से पालन करें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी में फंसने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे में आपको भी यह पता होना चाहिए कि इस तरह के ट्रैफिक रूल को आपको पालन करने की ज़रूरत है, और अगर आप पालन नहीं करते हैं तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो आपके क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।